दोस्तों बीसीसीआई से ऐसे होती है जय शाह की कमाई। क्या आईसीसी चेयरमैन बनने पर मिलेगी सैलरी उनको और कितनी मिलेगी? दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह अब इंटरनेशनल क्रिकेट के बॉस बन चुके हैं। जय शाह को आईसीसी का अगला चेयरमैन बना दिया गया है और चुन लिया गया है। आईसीसी ने मंगलवार 27 अगस्त को इसका ऑफिशियली ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ ही वह काउंसिल के सबसे युवा चेयरमैन भी होंगे। सिर्फ 35 साल के जय शाह 1 दिसंबर से यह पद संभालेंगे। वह इस पद पर मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्केल की जगह लेंगे, जो लगातार 4 साल से चेयरमैन थे, लेकिन तीसरे कार्यकाल से उन्होंने इनकार कर दिया था। इस ऐलान के साथ ही लोगों में यह जानने की इच्छा भी उठ गई थी कि जय शाह को आईसीसी चेयरमैन के तौर पर कितनी सैलरी मिलेगी, क्या वो बीसीसीआई से ज्यादा कमाएंगे या फिर कुछ और है बात है। दोस्तों जय शाह 2019 में बीसीसीआई के सचिव बने थे और उसके बाद से ही लगातार इस पद पर बने हुए हैं। अब वह इस पद को छोड़कर आईसीसी की कमान संभालेंगे। आईसीसी के चेयरमैन का कार्यकाल 2 साल का होता है और ज्यादा से ज्यादा 3 कार्यकाल किसी भी चेयरमैन को मिल सकते हैं। ऐसे में शाह अगले कुछ सालों तक आईसीसी की बागडोर संभालते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन क्या आईसीसी चेयरमैन के तौर पर उन्हें सैलरी मिलेगी? अगर मिलेगी तो क्या वो बीसीसीआई से ज्यादा होगी? ये कुछ सवाल है जो हर किसी के जहन पर जरूरी होगा। दोस्तों बीसीसीआई कैसे होती है बीसीसीआई की कमाई? पहले बात बीसीसीआई की करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पद पर इन पदों को संभालने वाले अधिकारियों को कोई भी मासिक या सालाना वेतन नहीं मिलता, यानी कोई तय सैलरी नहीं होती। इसके बावजूद उन्हें बोर्ड की ओर से काम के लिए खर्चा दिया जाता है। इन अधिकारियों को अलग अलग तरह के भत्ते और खर्चे दिए जाते हैं, जिसे पिछले साल बोर्ड ने बढ़ाया था। अध्यक्ष और सचिव समेत तमाम बड़े अधिकारियों को आईसीसी मीटिंग या टीम इंडिया से जुड़े विदेशी दौरे पर जाने के लिए हर दिन $1,000 यानी करीब ₹82,000 का भत्ता मिलता है। साथ ही उन्हें हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास में सफर करने की सुविधा तक भी मिलती है। इसी तरह भारत के अंदर ही अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेने के लिए ₹40,000 प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलता है और साथ ही बिजनेस क्लास ट्रैवल की सुविधा मिलती है। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग से अलग काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों में जाने के लिए भी ₹30,000 प्रतिदिन का भत्ता मिलता है। साथ ही देश में या विदेश में अधिकारी अपने लिए होटल के स्वीट रूम भी बुक कर सकते हैं, जिसका खर्चा बोर्ड उठाता है। आईसीसी अब कितना देगा जय शाह को, मतलब अब सैलरी है तो बीसीसीआई की बात थी, यानी जय शाह को बीसीसीआई से सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन बोर्ड मीटिंग और विदेश में होने वाली आईसीसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए उन्हें अच्छा खासा खर्चा जरूर मिलता था। कुछ इसी तरह का प्रावधान आईसीसी में होता है। वहां भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जैसे अधिकारियों को एक तय सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें भी अलग अलग मीटिंग और काम के आधार पर भत्ते और सुविधाएं मिलती है। हालांकि आईसीसी की ओर से आज तक ये रिलीज नहीं किया गया है कि वह अपने अधिकारियों को कितना पैसा भत्ते या अन्य सुविधाएं के रूप में देती है। तो ये थी दोस्तों, जैसा के आने के बाद तो बहुत चीज़ें अब चेंज होगी इंटरनेशनल वर्ल्ड क्रिकेट में ना। अब क्रिकेट का नाम होगा, क्रिकेट का जैसे कि भारत में बीसीसीआई का अध्यक्ष रह के जैसा ने जितना काम किया ना, भारत क्रिकेट को जितना ऊपर तक ले गया, जितनी बुलंदियों तक पहुंचाया, वैसे ही आईसीसी के चेयरमैन रहते हुए भी जय शाह के बहुत अच्छे काम करने की उम्मीद जताई जा रही है। और जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो क्रिकेट को ना अब हर देश में प्रमोट किया जाएगा। अब हर तरफ क्रिकेट के बारे में चर्चा होगी, चाहे ओलंपिक में 2028 में भारत, या फिर क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो बहुत चीज़ें होगी। अब क्रिकेट ना भारत से ऊपर, मतलब भारत में तो बहुत जय शाह ने कर लिया, अब आईसीसी के चेयरमैन रहते हुए ना पूरी दुनिया में क्रिकेट को प्रमोट करना है जय शाह को। और तो दोस्तों ये थी बीसीसीआई और आईसीसी में कि जो भी है बीसीसीआई या फिर आईसीसी में जो भी जैसे सेक्रेटरी होते हैं, जो भी मुख्य रोल में होते हैं, उनको सैलरी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा सुविधाएं जरूर मिलती है अन्य चीज़ों में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।